हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार हम अपने हृदय को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे अच्छे से अच्छे खान पान पर ध्यान देने की शुरुआत करते हैं, लेकिन कई बार हमारे ध्यान देने के बावजूद भी हमारा हृदय यानी कि हमारा दिल उतना सुरक्षित नहीं रह पाता है। और कई बार हमें जब पता चलता है, जब हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। चलिए आज जानते हैं कि अगर आपका दिल अस्वस्थ है तो इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में या उतरने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर आपकी सांस बहुत जल्दी फूल जाती है, तो इसका मतलब यह है कि आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है और इसी की वजह से आपका हार्ट सुरक्षित नहीं है। अगर आप सही तरीके से सेक्स नहीं कर पाते हैं, सेक्स करने के दौरान आपको बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, तो इसका मतलब भी यह हो सकता है कि आपका हृदय सुरक्षित नहीं है। अगर आपको चलने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, आपका हृदय सामान्य गति से कुछ तेज दौड़ता है, सोने में आपको दिक्कत होती है और खाना खाने में भी आपके सीने में दर्द होता है, तो इसका मतलब यही है कि आपका हृदय स्वस्थ नहीं है। और अगर आपका हृदय स्वस्थ नहीं है तो इसके ये कारण हो सकते हैं कि आप सही तरीके से अपनी डाइट पर फोकस नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ खाना खाते हैं। इसीलिए अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।